जदयू कार्यालय में जाते हैं, बीजेपी कार्यालय में जाते हैं और भिक्षा टर्न करते हैं। जदयू कार्यालय में जब जाते हैं तो वहाँ तक भगा दिया जाता है, यहाँ तक कि गेट भी बंद कर दिया जाता है। ऐसा जब लोकतंत्र में ही जब सरकार के पास जाए और मेरे साथ ऐसा भेदभाव किया जाए, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका? देखिए, सरकार जो है लोकतंत्र को नहीं मान रही है और लोकतंत्र की सीधा सीधी हत्या कर रही है। हम अपनी हक को मांगने के लिए जाते हैं तो सरकार या उसके अधिकारी के द्वारा जो है हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पुलिस के द्वारा लाठी या ये कहा जाता है कि तुमको अंदर डाल देंगे, जेल डाल देंगे, नौकरी लेते रह जाओगे। इस तरह से सीधा सीधी सरकार की नाकामी है और सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और सरकार का सीधा सीधी मंशा है कि सब बेरोजगार रहे और बिहार पीछे का पीछे रह जाए। यही इलेक्शन का टाइम था तो 19 लाख रोजगार का अनाउंस किया गया था, जब तेजस्वी जब यादव का जब 10 लाख उतरा किया था, वहीं विपक्ष में एनडीए के पार्टी 19 लाख रोजगार की उतरा किया जी बीजेपी के द्वारा। 19,000 भी क्या 1900 भी रोजगार नहीं दे पाई है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार जो है सिर्फ जुमलाबाजी करती है। और ये जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो चुनाव के पहले की बात है, वर्ष 2019 की बात है जब हम लोग सीटेट क्वालिफाई कर गए, तो चुनाव से पहले की बात है। और चुनाव के पहले और अब तक जो है हम लोग को बहाल नहीं किया गया, सिर्फ वहाँ पे एक जुमला एक लॉलीपॉप दिया गया था कि 19 लाख रोजगार। हमको नहीं लगता कि सरकार पूरे 5 साल में 1 लाख भी रोजगार देगी, 1 लाख भी सरकार नहीं देगी। सरकार जो है पूरी पूरी नाकाम है। रोजगार कैसे हो, एक वैकेंसी निकलता है उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है? जी बिल्कुल। कहाँ से रोजगार दे जी? अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, मैं भी एग्जाम देने गया था, मोतिहारी में सेंटर था और मेरा घर हुआ पातेपुर। मैं मोतिहारी से पातेपुर जैसे ही पहुंचा तो मैं एक दोस्त कहता कहाँ से आ रहे हो हम एग्ज़ाम दे के, तो कहता एग्ज़ाम बीपीएससी वाला। हम जी बीपीएससी वाला पेपर आउट हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल। जब मैं अपना फ़ोन निकाला तो मालूम जाके एग्ज़ाम कैंसिल। अब मोतिहारी वहाँ से पड़ता है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर बाइक से गया, बाइक से आया। और इस तरह से दिक्कतें होती हैं, सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि विपक्ष के द्वारा भी कहा गया कि बच्चों को जो है मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पूरी पूरी सरकार विफल हो गई है। शिक्षा व्यवस्था खास तौर से पूरा समझिए तो पूरा प्लेन कर दिया है शिक्षा व्यवस्था को पूरा। पहले से भी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई। कैसे होगा आगे की क्या रणनीति है, क्या बताना चाहेंगे? क्या सर, क्या रणनीति है आज का जो रणनीति है? जैसे 10 दिन से नहीं सुन रहे हैं शिक्षा मंत्री और नए नीतीश।